अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये लेमन डाला हुआ है, गला इंतहाई सख्त ख़राब है। ये जी सुबह का नाश्ता। ये जी मैंने नाश्ते में लिए है, ये पैन केक है जी, और ये चीज़ है दो टुकड़े, और ये जी फ्राई पोटैटो है, और साथ में चाय लेमन के साथ। गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि आदत नहीं है अब ठंडा पानी पीने की, तो वो पिए तो उसकी वजह से अब हालात ख़राब है। खांसी भी है, गला भी सुर्ख है, तो अब बस चाय पे गुजारा हो रहा है। तो दोस्तों आज प्रोग्राम है मेरा स्कूबा डाइविंग का, तो कोशिश करूंगा कि इसकी वीडियो बना सकूं जहां तक मुमकिन हो सका। तो आप मेरे साथ रहें, उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। बाकी गर्मी यहाँ पर तकरीबन 40 तक चली जाती है, एक तो 24 घंटे एसी लगा होता है, और अब आदत भी नहीं पड़ी एसी की, और ना कभी ठंडा पानी पिया है बहुत अच्छे से, तो इसीलिए बॉडी रिएक्शन कर रही है। इस वक्त सुबह का टाइम है, ये ब्रेकफास्ट के लिए ये 7 बजे खोलते हैं, अभी तकरीबन 7:20 हुए हैं, तो फिलहाल लोग इतने नहीं हैं, तो ये 7 से 10 बजे तक ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। उसके बाद 10 बजे खुल जाता है बार, तो वहाँ पे खाने पीने का भी सामान होता है, और बार में जो हो सकता है वो भी होता है, तो लोग फिर नहाना शुरू कर देते हैं। तो खाने का सिस्टम ये कि ये 24 घंटे खाना चलता रहता है यहाँ, फिर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये लंच होता है यहाँ पर, उसके बाद 2 बजे के बाद फिर जो बाहर बार बनी हुई है वहाँ पर खाने का सामान होता है, और बार काम करता है, और रात का जो होता है खाना वो फिर 7:49 से लेकर 7:45 से लेकर 6:45 से लेकर 8:45 तक ये डिनर का टाइम होता है। तो तकरीबन 24 घंटे यहाँ पे खाना होता है, खाने में तकरीबन सारी चीज रिपीट ही होती है, 15-20 किस्म के मुख्तलिफ चीज है, उसके बाद जितने भी सलाद होते हैं तकरीबन सारे के सारे यहाँ वो रिपीट होते हैं, उसके बाद चावल। तो डेली तकरीबन कोई एक नई चीज डालते हैं, जैसे कल इन्होंने वो बनाए थे कलेजी बनाई थी अपने तरीके से, तो देखते हैं आज क्या होता है। तेल का खाना तो मैं यहाँ पे नहीं खा पाऊँगा, जो स्कूबा डाइविंग पे जा रहे हैं तो खाना वही खिलाते हैं,
एक्टिविटी 9 बजे से शुरू होती है, तकरीबन 4 बजे 4:30 बजे आपको वापस आपके होटल में वापस ले आती है, वो ले आते हैं वापस आपको। तो सारा दिन समंदर में गुजरेगा, देखते हैं क्या है वहाँ। बहुत पहले ये ट्राई किया था, लेकिन वो तकरीबन 3-4 मीटर तक गए थे, ये बहुत पहले की बात है। और ये वाला जो है ये तकरीबन 15 मीटर तक जाएंगे नीचे, देखते हैं कि कर पाऊंगा कि नहीं। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ तो दोस्तों, हम स्कूबा डाइविंग के लिए निकले हैं। मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा ये बाहर का, ये जी बंदा फिशिंग कर रहा है यहाँ पे। Собираемся нырнуть под воду со фаланга. हाँ तो दोस्तों, हमारे इस एडवेंचर का इख्तिताम हो गया है। तो क्या मैं बता सकता हूँ, ये टूर जो था 2 जगहों पे था। पहली जगह पे तकरीबन हम कोई 4-5 मीटर गए थे नीचे, काफ़ी सिंपल था, इजी था। तो मेरे साथ जो अंद्रे है वो खुश नहीं था, कह रहा था कि यार ये तो बच्चों वाला है। तो मैंने भी कहा बिल्कुल ये तो बच्चों वाला है। फिर हम ये दूसरे स्पॉट पे पहुँचे, दिखाता हूँ इस वाले पे, ये दूसरी स्पॉट है यहाँ पर। तो वो भी आ गए और जहाज भी पहुँच गए, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे जी ये तकरीबन 15 से 20 मीटर का फासला है, यहाँ पर डेप्थ है। तो मैंने बात की फिर वो बंदे के साथ, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। तो मैंने कहा ये तो मज़ा नहीं आया, तो कहते हैं अगर मज़ा चाहिए तो फिर तुम लोगों को ज़रा डीप करवा देते हैं अलग से।
तो उसकी थोड़ी सी पेमेंट मैंने की, काफ़ी कम पेमेंट थी। तो फिर मैंने कहा कि ये मेरा जो रूसी दोस्त है इसको ज़रा सजा दे, इसको सही नीचे लेके जाए और खुला छोड़ दे कि ये खुद ही करे सब कुछ। कहते ठीक है बेफिक्र रहो। तो वो अकेला था, मैं अकेला। फिर मेरी डाइविंग तकरीबन कोई 13 मीटर 14 मीटर थे वो तक हुई थी, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था वो मेरे कानों के ऊपर। और अंद्रे तकरीबन कोई 15 मीटर नीचे गया था, उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो कहता है मुझे ऊपर लेके जाओ। और बंदे ने कहा कि नहीं अब तुम ऊपर नहीं जा सकते इतनी जल्दी। तो उसको रोके रखकर काफ़ी देर तक वहाँ पर, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके आया। तो अब अंद्रे बैठा हुआ है गुमसुम, कहते हैं मेरा तो दिल ख़राब हो गया। मैंने कहा था तुम कह रहे थे ना कि डीप जाते हैं, तो डीप जाने के लिए तो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल काफ़ी मज़ा आया, मैं आपको मिलाता हूँ इन लोगों के साथ। बड़े ज़बरदस्त लड़के हैं, एक तो इनकी ज़बानें सब आती है। ये जी इंस्पेक्टर है। या ये एक है, कोई 6-7 बंदे हैं यहाँ पर जो कि डाइविंग करवाते हैं। और सबसे एक्सपीरियंस बंदा जो है ना जी, वो ये है सरकार। Absolutely. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. А как, кстати, он плавал? Идёт. На Союзе идёт. Русский. Как дельфин, говорит. Как дельфин? Лихрый, да, себя? Как дельфин, да. Хорошо, хоть тихо, камень. Как мёртвый дельфин или как живой дельфин? Живой дельфин, живой. Ах, ты мне под колонь ходишь. Целый дельфин. Я расскажу на спрашиваю. तो ये जी इक्विपाज है यहाँ का, ये इनको बड़ी क्लास की रूसी आती है इसको, और ये यहाँ पे काम कर रही है। ये सारी फैमिली लगती है। हाँ तो ये यूसुफ साहब है जी। यूसुफ साहब से приходите на дайвинг. Привет передавай Пакистану. Привет передаю Пакистану. Да, ну конечно. Окей, всем привет пакистанцам. Ты можешь по-английски говорить, если хочешь? Нет, лучше на русском. Лучше на русском, да. Лучше на русском. Приглашаем все гости. Обязательно. Передадим, передадим это все. Хорошо, я по концовке YouTube канал все заеду. Что будем смотреть? А я тебе потом скажу. तो ये जी इनका जहाज़ है, ये हम तकरीबन कोई 20-25 बंदे हैं यहाँ पर, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ तो दोस्तों, तो इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। खुदा हाफिज़।